हाय फ्रेंड, तो आज हम बनाएंगे जीरा सोडा मसाला। इस मसाले से हमने ये ड्रिंक बनाकर तैयार किया है। इस जीरा सोडा मसाला को बनाना बहुत ही आसान है। हम इसे घर की ही चीज़ों से आसानी से बना सकते हैं और इसे स्टोर भी कर सकते हैं और फिर ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसके ऊपर हम एक पैन रखेंगे या फिर कोई तवा रखेंगे। अब इसमें मैंने 1 कप जीरा डाला है। अब जीरे को हम धीमी आंच पर लो फ्लेम पर भुनेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च के दाने भी डाल देंगे। काली मिर्च के दाने जो है वो ऑप्शनल है। काली मिर्च के दाने डालने से जूस में जो है थोड़ा तीखापन आता है और हमारा जीरा सोडा मसाला ड्रिंक जो है काफ़ी टेस्टी लगता है। तो धीमे आंच पर जीरा को हमने 5 मिनट भून लिया है और अब यह ठंडा भी हो गया है। तो अब यहाँ पर हम एक मिक्सर का वाटी लेंगे। अब इसमें अपना जो हमने जीरा भून कर रखा है उसे डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप जीरा लिया था, अब उसमें हम 2 कप चीनी डालेंगे। चीनी को डालने के बाद यहाँ पर मैं हाजमोला की 4 गोलियाँ डाल रही हूँ। आप चाहे तो कुछ खट्टी मीठी गोली भी डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहीं पर हम 4 से 5 चम्मच चाट मसाला भी डाल देंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। छन्नी से हम इसलिए छान रहे हैं कि इसका जो कुछ कड़ा गया होगा वो निकल जाएगा। जीरा के साथ चीनी को हमने इसलिए पीसा था क्योंकि हम इसे ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं और इसे 2 से 3 दिन तक यूज कर सकते हैं। अगर वैसे आप इस जीरा सोडा मसाला को बनाना चाहते हैं तो आप चार दिन के बाद चीनी जो है वो उसमें गलने लगेगी और यह चिपचिपी हो जाएगी। तो ये हमारा जीरा सोडा मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे कांच की सूखी बोतल में भरकर रख देंगे और जब भी हम कभी सफर में जाएंगे तो इसे लेके आसानी से जा सकते हैं। बस इसमें पानी मिलाइए, जीरा सोडा मसाला 2 चम्मच मिलाइए और आपका ड्रिंक जो है तैयार हो जाएगा। नींबू ना हो तो भी आप इसे आसानी से पी सकते हैं। तो अब मैं आपको ये ड्रिंक बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने जीरा सोडा मसाला 1 चम्मच डाल दिया है। उसके बाद हम आधे नींबू का जूस डालेंगे, कुछ आइस क्यूब भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें सोडा वाटर मिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 गिलास जो है पानी डाल देंगे। चीनी हमने पहले से ही मिला लिया था इसलिए यहाँ पर मैं शुगर सिरप बनाकर नहीं डाल रही हूँ या फिर चीनी नहीं डाल रही हूँ। तो बस हमारा जीरा सोडा मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर नींबू की स्लाइस काट कर लगा देते हैं और ये देखिए हमारा रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है, वो भी घर की चीजों से। जीरा सोडा मसाला जो है पेट में काफी ज्यादा ठंडक देता है और हमारे स्किन को ग्लो करता है। तो बस इस वेकेशन में आप भी इसे जरूर बनाएं और गर्मियों का मजा लें। और अगर आपको यह मसाला पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपको यह रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।